जब अंग्रेज पंजाब पे काबिज हुए तो उनका पहला हमला इसके तोशाखाने पर था, जिसके खजाने पे उनकी बड़ी पुरानी नजर थी। और उस सारे खजाने में एक हीरा जिस पे उनकी सबसे गहरी नजर थी, वो था कोहिनूर। कोहिनूर के बारे में वैसे तो काफी कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन कोहिनूर हीरा लाहौर और हिंदुस्तान की सरजमीन छोड़कर इंग्लैंड कैसे गया, इसकी अपनी अलहदा कहानी है, जिसे अंदाजा होता है कि कोहिनूर की अंग्रेज की नजर में क्या अहमियत थी। अंग्रेजों की कोहिनूर पे कितनी लालच भरी नजर थी, उसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि 1849 में जब पंजाब पे कॉन्क्वेस्ट की ट्रीटी साइन हुई तो उसमें कोहिनूर का बकायदा एक क्लॉज शामिल था, द जेम कॉल्ड कोहिनूर शैल बी सरेंडर्ड बाय द महाराजा टू द क्वीन। फॉल ऑफ पंजाब के बाद 27 अप्रैल 1849 के एक खत में लॉर्ड डलहौजी ने हेनरी लॉरेंस को महारानी जिंदा के एस्केप करने पर खत लिखा कि महारानी तो भाग गई, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है पंजाब के हीरे जवाहरात ना हमारे हाथ से निकल जाएं, उनका ख़ास ख्याल रखना। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अंग्रेज़ कैसे शिकारी की तरह पंजाब के ख़जानों की ताक में बैठा था। उसके बाद यह हीरा बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द अफेयर्स ऑफ द पंजाब के कब्ज़े में चला गया, जहाँ यह जॉन लॉरेंस की तहवील में दे दिया गया। पंजाब पे काबिज होने के 9 दिन बाद 7 अप्रैल को लॉर्ड डलहौजी ने क्वीन विक्टोरिया के सामने अपने नंबर बनाने के लिए क्वीन को खत लिखा कि पंजाब अब आपकी एम्पायर का हिस्सा है, और महाराजा की सबमिशन के सिंबल के तौर पर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इजाज़त दे तो मैं लाहौर का मशहूर हीरा कोहिनूर आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। डलहौजी के इस इकदाम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन आर्चिबाल्ड गैलोवे ने इतराज करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट को कहा कि आज तक इंडिया में जितनी भी ट्रीटीज हुई हैं वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी ने की हैं, और ब्रिटिश क्राउन का नाम आज तक कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। और गवर्नर जनरल डलहौजी कंपनी के मुलाजिम के तौर पर इंडियन रियासतों से डील करता है, लिहाजा उसके पास इतनी अथॉरिटी है ही नहीं कि वो खुद क्वीन को यह हीरा तोहफे के तौर पर पेश कर सके। ये हक ईस्ट इंडिया कंपनी का है। कंपनी के प्रेसिडेंट जॉन हॉबहाउस ने चेयरमैन से इख्तलाफ करते हुए एक अजीब मंतक पेश किया कि क्योंकि कोहिनूर पंजाब पे जंग के बाद कब्जे की सूरत में हासिल किया गया है, वो माल गनीमत है, और माल गनीमत पे हक कंपनी का नहीं क्वीन का है, और जो दो रियासतों के दरमियान ट्रीटी भी साइन हुई है वो तो महज महाराजा की रिटन सबमिशन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहरहाल फैसला ये हुआ कि हीरा क्वीन को कंपनी की तरफ से ही दिया जाएगा। डलहौजी इस पे नाखुश था और उसने इसरार किया कि हीरा क्वीन को महाराजा की तरफ से उसकी सबमिशन की इलामत के तौर पे तोहफतन पेश किया जाए। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि अंग्रेज़ कितनी कोई एहसास कमतरी का शिकार थे कि एक 10 साल बच्चे की रियासत पे कब्ज़ा करके चैन नहीं आया तो उनको उससे अब सबमिशन की निशानी भी चाहिए थी। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि शायद पंजाब हमें मिल गया है। इस सब मामले में एक दिलचस्प वाकया ये हुआ कि हीरा जॉन लॉरेंस को एक टीन के डब्बे में डाल के दे दिया गया हुआ था। उसको जब हीरा दिया गया तो उसने टिन बॉक्स को अपनी वेस्टकोट की जेब में डाला और भूल गया और कपड़े उतार के फेंक दिए। वो हीरा जिसके लिए अंग्रेज ने पंजाब में तबाही मचाई, उसके साथ कैसी लापरवाही बरती जा रही थी। 6 हफ्ते बाद जब डलहौजी ने जॉन लॉरेंस से हीरे के बारे में पूछा तो वो हवास भागता हो गया। याद करने पे जब ख्याल आया कि वो मैंने अपना फलां वेस्टकोट की जेब में डाला था, तो फौरन मुलाजिम को कहा वो वेस्टकोट ढूंढ के लाओ। वो जब वेस्टकोट लाया, जॉन लॉरेंस ने धड़कते दिल से पूछा इसकी जेब में कुछ है, तो मुलाजिम ने देखा और कहा साहिब इसमें एक डिबिया है जिसमें सिर्फ एक शीशे का टुकड़ा पड़ा हुआ है। वो शीशे का टुकड़ा कोहिनूर हीरा था जो 6 हफ्ते से वाकई एक शीशे की टुकड़े की तरह रुलता रहा। 7th दिसंबर 1849 को लॉर्ड डलहौजी लाहौर फोर्ट में सेक्रेटरी टू इंडियन गवर्नमेंट के साथ दाखिल हुआ और फोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटर जॉन लॉगन से हीरे की डिलीवरी लेकर उसे रसीद दी, जिसके बाद कोहिनूर का टावर ऑफ लाहौर यानी समन बुर्ज
से टावर ऑफ लंदन तक का सफर शुरू हो गया। फैसला हुआ कि हीरा समंदर के जरिए भेजा जाएगा और उसके लिए डलहौजी ने कंपनी से रिक्वेस्ट करके बॉम्बे पर समंदरी जहाज मंगवाया और ये खास रिक्वेस्ट की कि किसी को ना बताया जाए कि जहाज किस मकसद के लिए बुलाया जा रहा है। यह मामला इतनी सीक्रेसी से हैंडल किया जा रहा। डलहौजी क्वीन की खुशामद करने पे इतना तुला हुआ था कि उसने खुद अपनी निगरानी में हीरा बॉम्बे पहुंचाने का फैसला किया और उसके साथ इस सफर में उसका असिस्टेंट कैप्टन रामजे और फौजियों की एक टीम थी। डलहौजी की बीवी ने उसकी एक कश्मीरी बेल्ट पे एक पाउच सी दिया था जिसमें हीरा रखा हुआ था और जिसे डलहौजी रोज पहनता था। उसके कैंप के बेड के साथ दो कुत्ते बंधे हुआ करते थे और उसकी बीवी और असिस्टेंट के अलावा किसी को मालूम नहीं था कि डलहौजी के पास क्या है। जब ये बॉम्बे पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो जहाज जिसने हीरा इंग्लैंड ले जाना था वो लेट था, जिसके बाद इनके हाथ पैर फूल गए कि हीरे की तब तक हिफाजत कैसे की जाए। उसको एक छोटे लोहे के संदूक में रख के डबल लॉक लगाकर सील कर दिया गया। चाबी कर्नल मैकेसन को दी गई। उसके बाद संदूक को एक सरकारी डिस्पैच बॉक्स में डाल के लॉक सील किया और उसकी चाबी कैप्टन रामजी को दी गई। उसके बाद डिस्पैच बॉक्स को ट्रेजरी में सेफ डिपॉजिट में डाल के रखा गया जब तक जहाज पहुंच नहीं गया। आखिरकार जहाज पहुंचा और 6 अप्रैल 1850 वाले दिन कोहिनूर हीरा 5000 साल के बाद बर्रे-सगीर के साहिलों को खैरबाद कह गया। कोहिनूर का सफर इतना सीक्रेट था कि जहाज के कैप्टन मिस्टर लॉकेट तक को इल्म नहीं था कि जहाज में सामान क्या है। कोहिनूर की एक शुरू से रेपुटेशन है कि ये हीरा जो है ये कर्स्ड हीरा है, एक बदकिस्मती की अलामत है और इसी रेपुटेशन ने हिंदुस्तान की सरजमीन के बाहर भी उसका पीछा ना छोड़ा। जहाज जब मॉरिशस पहुंचने ही वाला था कि जहाज पे हैजा फैल गया जिससे दो फौजी मर गए। जब जहाज मॉरिशस पहुंचा तो वहां के लोगों ने बीमारी फैलने के डर से जहाज के लोगों को नीचे उतरने से रोक दिया और डिमांड की कि जहाज वहां से चला जाए, बल्कि अपने गवर्नर जॉर्ज एंडरसन से डिमांड की कि अगर जहाज नहीं जाता तो उसे डबो दिया जाए। खुशकिस्मती से मॉरिशस ब्रिटिशर्स के ही कंट्रोल में था, इसीलिए ऐसी कोई हरकत नहीं की गई। लेकिन जब डलहौजी को इस वाक़े का इल्म हुआ तो उसने हंसते हुए कहा कि अगर मॉरिशस के गवर्नर उस जहाज के सामान से गाफिल उस जहाज को डबो देता तो क्या होता। मॉरिशस छोड़ने के बाद एक दिन 12 घंटे तक जहाज एक वैश्याना तूफान में घिरा रहा, जिसकी वजह से जहाज की दो छोटी कश्तियां डूब गईं। इसके बाद जहाज के सेलर्स ये कहना शुरू हो गए कि इस जहाज पर यकीनन कुछ मनहूस चीज है जिसकी वजह से इतनी मुसीबतें पड़ रही हैं। लिटिल डिड दे नो अबाउट इट। आखिरकार 29 जून 1850 को कोहिनूर पोर्टस्मिथ के किनारे पे पहुंचा और कोहिनूर की एक नई जिंदगी शुरू हुई। 3 जुलाई को बकिंगम पैलेस में एक ऑफिशियल सेरेमनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन ने हीरा क्वीन को प्रेजेंट किया और एक केयरफुली लिखी गई तकरीर में ऑफर्ड की बजाय हैंडेड ओवर के अल्फाज इस्तेमाल किए गए ताकि डलहौजी को भी नाराज ना किया जाए। उसके बाद शायद डलहौजी के कलेजे को ठंडक पहुंच गई होगी। आज यह हीरा टावर ऑफ लंदन के जूल हाउस में रखा हुआ है। लेकिन ये कोहिनूर तो उस खजाने का शायद 0.1% भी नहीं था जो अंग्रेज ने पंजाब से बल्कि हिंदुस्तान से लूटा। बात की जाती है कि अंग्रेज पंजाब का हुक्मरान था, जो मर्जी करता। अंग्रेज से पहले भी हुक्मरान ने जबरदस्ती कोहिनूर हासिल किया तो फिर अंग्रेज को चोर क्यों कहा जाए। हिंदुस्तान की जमीन को इन्वेडर्स तो हजार हा साल से लूटते आ रहे हैं, लेकिन उनका लूटना मुख्तलिफ था। वो ऐसा ही है कि जैसे एक घर में एक फलदार दरख्त हो और साथ वाले घर से एक शख्स उस दरख्त के फल को आके तोड़ ले, लेकिन दरख्त को इंटैक्ट रहने दे, फल दोबारा आ जाएगा। अंग्रेज ने आके दरख्त के फल को नहीं, उस दरख्त की जड़ों को अटैक करके
उन जड़ों को जड़ों का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया कि उस दरख्त के सारे फ़ायदे खुद हासिल कर लिए जाएं और दूसरों के लिए उस दरख्त को हमेशा के लिए तबाह कर दिया गया। बरसगीर में अंग्रेज़ राज का खुलासा कुछ इस तरह है। अंग्रेज़ दुनिया के ताकतवर और अमीर तरीन मुल्क हिंदुस्तान तिजारत के लिए आए, खुश आमद और मिन्नत समाजत करके ट्रेडिंग राइट्स हासिल किए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता धोखेबाजी और फरेब से जिस मुल्क से तिजारत करने आए उसी पे कब्ज़ा करके एक्सप्लॉयटेशन पे मबनी एक ऐसा इकनॉमिक निज़ाम नाफिज किया कि उसी मुल्क की ज़मीन को लूट के उसका खून चूस के अपने आप को अमीर बना लिया, और जिस चमन को लूटा उसको कंगला करके हमेशा के लिए उजाड़ कर वापस चले गए। एंड द वर्स्ट पार्ट इज ये सब लूटमार ये कहकर की गई कि तुम बैकवर्ड लोग हो, हम तो तुमको सिविलाइज करना चाहते हैं। उनके लिए चोर एक बहुत बहुत छोटा लफ्ज है।